हेलो गाइस, तो तुम्हारा भाई आ चुका है एक और सोलो कॉन्कर रैंक पुश गेम प्ले के साथ। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या C2S6 में अभी भी कॉन्करर हो सकता है सोलो में। भाई सिर्फ सोलो की ही बात कर रहा हूँ मैं, डुओ और स्क्वाड की बात नहीं कर रहा। तो भाई वो बात बाद में करेंगे। तभी भी सामने से मेरे को बग्गी का साउंड आता है और मैं नीड की पिन खींचता हूँ, तो मेरे को लगा बंदा सामने वाले घर पे जाएगा, लेकिन भाई बंदा पता नहीं अपने ही घर में आ जाता है और नीचे होल्ड करता है। और मैं भी नीचे मारने जाने के लिए ट्राई करता हूँ कि बंदा सीढ़ियों पे आए तो मैं FPP स्विच करता हूँ, लेकिन भाई बंदा आता ही नहीं है। और भाई बंदा मतलब बहुत सही फाइट ले रहा है, बंदे ने भी मॉली कर दी थी। और मैं नेड़ मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई उसको नेड़ लगा है, लेकिन भाई उसने भी बहुत सही मॉली की थी। तो मैं आगे आगे FPP स्विच करके रहता था। मेरे को जैसे ही हीलिंग का साउंड आया मैं उस पर पुश कर देता हूँ, और भाई ये हील लगा रहा था और इसको हम इजीली भर देते। तो भाई इसके लिए लाइक तो बनता है गाइस, लाइक कर दो अभी अभी के अभी जाओ लाइक कर दो भाई, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो भाई बात करते हैं क्या अभी भी सोलो में कॉन्करर पॉसिबल है। तो गाइस मैं सच्ची बता रहा हूँ, 15 दिन बचे और भाई प्लस बहुत ही कम मिल रहा है, मतलब बहुत कम मिल रहा है, प्लस ऊपर से हैकर भी आ रहे हैं। तो जिसका भी भाई एस मास्टर है वो आराम से अभी भी लगा सकते हैं, आप खेलो, लेकिन भाई बहुत खेलना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि 2-3 गेम खेल के प्लस करके छोड़ दिया, तो भाई आपको मिनिमम आपको डेली का आपको इतना तो प्लस करना है, जैसे 170 इतना तो मिनिमम करना है गाइस, इतना 100 तो मिनिमम इस बार करना होगा, तब जाके आपका कितना आपको एस डोमिनेटर पे कितना 60 या 70 पॉइंट लगाने पे आपको कॉन्करर मिलेगा। तो आपको मिनिमम 100 तो प्लस करना ही होगा अभी के लिए एस डोमिनेटर तक, और उसके बाद आप 30, 40 या 50 का भी प्लस करोगे तो आपको इजीली कॉन्करर मिल जाएगा। और गाइस जो एस मास्टर से नीचे उनका भाई ऐसा नहीं कि उनका नहीं हो सकता, लेकिन भाई उनको बहुत खेलना पड़ेगा, उनको बहुत खेलना पड़ेगा। और बाकी मतलब जो क्राउन के उनका भाई इस सीज़न को मैं सच्ची बता रहा नहीं हो सकता। तो कुछ नहीं, मैं यहाँ से 2 बग्गी रोटेशन निकलती है, लेकिन भाई उनको कुछ हम मतलब एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं पड़ता है, अपना स्प्रे डटती है। और सामने ये बंदा दिखता है, लेकिन भाई पता नहीं अब पीके नहीं करता। तो वहाँ से जोन कट चुका था और मैं अपनी बग्गी उठा के यहाँ पे आ चुका था, और तभी पीछे से मेरे को थोड़ा गन साउंड का साउंड आता है, लेकिन भाई पीछे मैं देखता हूँ कुछ नहीं होता। तभी ये बग्गी वाला आता है जिसको एक बुलेट कनेक्ट होती है, और मैं इसके पीछा करता हूँ और बंदा पता नहीं कहीं वहीं पर रुक जाता है। तो इसको भी आराम से भर देते। इसके लिए भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो भाई जोन आगे की साइड था और भाई मेरे को लेफ्ट साइड में भी बंदा थे, तो भाई मैं स्मोक डाल देता हूँ और आगे स्मोक वाद से निकल लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे को पीछे से फुटस्टेप आता है, तो मैं पीछे आता हूँ लेकिन भाई कोई दिखता नहीं। पर तभी मेरे को फिर से फुटस्टेप आता है, तो भाई ये बंदा दिख जाता है और मैं उसको स्प्रे लेने का ट्राई भी करता हूँ, लेकिन एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं होती क्योंकि अपने M4 पे लगा था और उस बंदा भाई जोन में आना था। तो इसको भाई आराम से M4 से भर देते। अब भाई ये बंदा जो मार रहा था ये टावर के ऊपर था, तो भाई इससे तो अपने को बचना था और बाकी बंदे से भी बचना था, क्योंकि भाई सर्कल पता नहीं भाई इस बार अपने पे बन ही नहीं रहा था। मतलब सर्कल भाई मैं सर्कल में एंटर करता हूँ, सर्कल मेरे से भाग जाता है। अब जोन आने वाला होता है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आ जाता हूँ भाई, आगे मतलब कोई बंदा हो ना हो तो जितना हो सके उतना जोन में जाना था, और जोन पूरा ओपन में था। हमें यहाँ से वो उसको देखने का स्पॉट करने का ट्राई करता है और ये बंदा तभी जंप करता है, लेकिन भाई ये बंदा जंप कर देता है तो मैं यहाँ पे लेट के लेट जाता हूँ, उसके आने का वेट करता हूँ, लेकिन ये बंदा आता नहीं और मेरे को ये बंदा कोई और ये मेंटल डिसीज स्पॉट हो जाता है। तो इसको तो भाई मेंटल डिसी को तो यहीं पर फिनिश कर देते। अब मेरे अलावा 2 बंदे बचे थे, तो ये 2 बंदे कहाँ पर मेरे को आइडिया नहीं था।
तो फिर मैं यहाँ पे बूस्ट मार के भाई जोन आ रहा है तो आगे निकलता हूँ। और तभी मेरे को ये बंदा का फुटस्टेप आता है, तभी ये बंदा भी मेरे से कर देता है, तो मैं इसको रिफ्लेक्स कर देता हूँ। लेकिन बंदा कहाँ था मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, तो एक भी बुलेट उसको कनेक्ट नहीं होती और ये बंदा अपने को इजीली वर देता है यहीं पे, और अपना गेम यहीं पे एंड हो जाता है। और मेरे को कॉन्करर पे आराम से 16 का प्लस मिल जाता है गाइस। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और गाइस जल्दी से जल्दी 2K भी करवाओ। और जिसने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया गाइस, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिसको भी आई रैंक पुश में दिक्कत आ रही है भाई, कमेंट में पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पे आकर DM कर सकते हो, मैं आपका जितना हो सके उतना हेल्प करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, मिलते हैं कल एक और।